गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन अपनी जो एक्सरसाइज है 1.4 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले 1.3 तक मैंने सारे कंप्लीट क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। 1.4 में जो है वो है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मतलब उत्तरोत्तर आवर्धन। काफ़ी बच्चों को दिक्कत आई होगी इस क्वेश्चन को पढ़ने में, उत्तरोत्तर आवर्धन। तो सिंपल साइज का मतलब ये है कि आप लोग फोन में कभी क्लिप लेते हो, है ना, इमेज लेते हो या कोई फोटो लेते हो, तो क्या करते हो, उसको जूम करते हो ना, कोई मतलब है इसका। इसका सीधा सा मतलब क्या है, जूम, जूमिंग करना आपने, है ना, किसको जूम करना है। इसमें एक नंबर दिया है आपने को फर्स्ट क्वेश्चन में 3.765, ये कोई नंबर है। इसको नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, विजुअलाइज करना है, मतलब देखना है ये नंबर कहां पर होगा, 3.765। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बता चुका हूँ कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब है जूम करना आपको। अब इस नंबर लाइन को जूम करके इस नंबर तक अपने को पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, ये नंबर है 3.765। अब आप मेरे को ये बताइए, ये नंबर लाइन होगी, सबको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नंबर लाइन 0 से शुरू होकर काफी इंफिनिट चलती है, लेकिन मैंने 10th तक लिया है। अब आपको 3.765 को देखना है 3.765 को। तो ये 3, ये नंबर जो है ये क्या है, ना तो ये 3 का है ना ये 4 का, उन दोनों के बीच में। तो अपने को जूम किसको करना पड़ेगा, जूम का मतलब अपने को लेंस लगाना पड़ेगा, ये मैंने लेंस लगाया, इन दोनों को क्या करना है, जूम करना है, क्योंकि ये नंबर जो है 3.765 ये किसके बीच में रहेगा, 3 और 4 के बीच में। अब आप इनको जूम करेंगे तो देखिएगा, एक नंबर लाइन और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, 3 है ये 3 तो अपना यहाँ पे आ जाएगा, ये जो 4 है ये यहाँ पे, मतलब इस नंबर को मैंने जूम कर लिया, क्या कर लिया है, जूम कर लिया इस नंबर को। तो जूम करूंगा तो 3 के बाद क्या आएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 जूम करना, उसके बाद क्या आ जाएगा, वापस 4 मिल जाएगा अपने को। 3 के बाद 3.9 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब अपने को नेक्स्ट क्या है, 3.7, है ना, 3 तो आ गया अपने पास, अब 3 के बाद 7, अब 7 कहां पर है, ये रहा 3.7। तो ये 3.7 कहाँ पे होगा, 3.765 जो है वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो इन दोनों नंबर को फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर क्या लगा दिया मैंने, लेंस लगा दिया, जूम करने के लिए लेंस लगाना है, विजुलाइज करना है इसको, है ना, उसको आवर्धित करते रहना है, जूम करते रहना अपने को। इसके लिए फिर मैंने एक नंबर लाइन बनाई, अब ये तो 3.7 है, वो तो यहाँ आ गया 3.7, पर यहाँ से कौन आ गया, 3.8, कौन आ गया, 3.8। अब इनको जूम करेंगे तो 3.7 के बाद क्या आएगा, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, फिर 3.77, फिर 3.78, फिर हो जाएगा 3.79, और 79 के बाद 3.80 बोलो या फिर 3.8 बोलो, एक ही बार। अब मैं कहाँ तक पहुँचा, 3.76, ढूंढो कहाँ पर है, 3.76 ये रहा, लेकिन मेरे को चाहिए 3.765। तो वो किन के बीच में होगा, 3.76 और 3.77 के बीच में। इन दोनों को फिर मैं क्या करूँगा, जूम करूँगा, मतलब इनके ऊपर फिर मैंने लेंस लगा दिया, क्या करना है, जूम करना है। वापस एक नंबर लाइन और बना ली मैंने, एक नंबर लाइन और बना ली,
यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.76 और यहाँ पे आ जाएगा 3.76। यहाँ पे आ गया 3.76, वहाँ आ गया 3.77। अब मेरे को चाहिए कौन सा 3.76 फाइव। तो 3.76 के बाद क्या आएगा 3.76 1 3.76 2 3.76 3 3.76 3 3.76 5 3 3.76 7 3 3.76 8 3.76 9 और फिर 3.77 जो कि लास्ट होगा। क्या मिला आपको ये 3.7653? अब आपका एक्सेप्ट आंसर मिल चुका है। ये रहा नंबर लाइन पे, ये जो अपना नंबर था कौन सा 3.765। इस तरह से किसी भी नंबर को आपको नंबर लाइन का विजुलाइज कर सकते हो, उसको नंबर को देख सकते हो। कैसे? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब उत्तरोत्तर आवर्धन, आवर्धन करके किसी चीज को बड़ा करना। सबसे पहले मेरे को ये नंबर दे रखा था 3.765, तो मैंने 0 से लेकर 10 तक की नंबर लाइन बनाई और 3.76 है, इसका मतलब वो 3 और 4 के बीच में होगा। फिर ये 3 यहाँ पे चला गया, ये 4 यहाँ पे आ गया, मतलब यूँ कहना चाहूँ ये 3 यहाँ पे चला गया, 4 यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर मेरे को चाहिए था कौन सा 3.7, तो मैंने देखा 3.7 ये है, इन दोनों के बीच में वो नंबर होगा। फिर मैंने इनको क्या किया, विजुलाइज किया है ना, फिर इन दोनों को मैंने क्या किया, जूम किया। ये फर्स्ट पे आ गया, वो लास्ट पे चला गया, उसको जूम करने पर ये नंबर लाइन मिली। फिर मेरे को चाहिए था 3.76, ये रहा 76 और 77 के बीच में होगा। 3.76 इधर आ गया, 3.77 उधर चला गया, इसको जूम किया तो फिर मेरे को एग्जैक्ट नंबर जो पूछा गया नंबर का वो मिल गया। तो आपको समझ में आती है किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे विजुलाइज करते हैं, संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन अभी लेते हैं।